चलिए आज ना बढ़िया सी रेसिपी मैं आपको चॉकलेट की शेयर करने वाली हूँ। बहुत मजे की वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है आपको। आगे पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा मेरा। तो यहाँ देखिए, मैंने चॉकलेट का मोल्ड लिया है, उसमें मैं चॉकलेट स्प्रेड थोड़ा कर रही हूँ। एक पतली सी लेयर लगा लेंगे चॉकलेट की और बहुत अच्छे से उसे स्प्रेड कर लेंगे। चॉकलेट की तो कई रेसिपीज होती है, लेकिन ये कुछ अलग ही रेसिपी है। बहुत मजा आएगी आपको ये रेसिपी में। देखिए, अब इसे फ्रीज कर लेंगे थोड़ा 10 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे, सेट होने के बाद मैं यहाँ पर एक मस्त वाला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। तो आप लोग क्या सोच में पड़ेगा कि ये कौन सा इंग्रेडिएंट है? इतना इतना मत सोचिए। एक्चुअली ये है ना, मैंगो प्यूरी है। मैंने मैंगो को प्यूरी बनाई है मैंगो की। इसे मैंने ग्राइंडिंग जार में डाला था और थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसे ग्राइंड किया था। और इसमें अभी हम मैंगो प्यूरी लगा के इसे भी फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज होने के बाद आप देखिए कि कितनी अच्छी लग रही है ना। अब टेंशन ना लीजिए, अभी ये लास्ट लेयर नहीं थी, अभी हम और एक लेयर चॉकलेट की लगाएंगे और बहुत अच्छे से उसे स्प्रेड कर देंगे। तो आप देखिए कितना अच्छे से स्प्रेड हो रही है चॉकलेट, और बहुत अच्छी ये रेसिपी, मतलब बहुत अच्छी चॉकलेट बन रही है। ये बहुत टेस्टी थी, मैंने तो बहुत इंजॉय किया इस चॉकलेट को, और बच्चे को भी बहुत पसंद आती है। तो देखिए यहाँ चॉकलेट कितने अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब हम इसे फ्रीज कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। आप इसे चाहो तो 2-3 आवर्स फ्रीज कर सकते हैं, ताकि अंदर की जो मैंगो प्यूरी है वो अच्छे से सेट हो जाए और चॉकलेट निकलने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखिए चॉकलेट कितनी अच्छी लग रही है निकलते हुए। और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय।